तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आई सत्संग प्रेमी जन मेरे बहन भाई, जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जीवन ध्यान से जीना मनुष्यता है। जीवन को बेहोश होकर जीना पशुता है। यह भगवान आज के सत्संग में उन्हें ध्यान योग के विषय में उपदेश कर रहे हैं। भगवान ने कहा है जो योगी ध्यान योग में साधना करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये समाधियों में भी भेद है। विशेष करके चार प्रकार से भेद किया है पतंजलि महाराज ने। ध्यान योग के वो बड़े सितारे हैं, रहे हैं, सारा विश्व जानता है उनके नाम को, उनकी ध्यान पद्धतियों को अपनाते हैं लोग जगह जगह ध्यान केंद्रों में। पतंजलि जी कहते हैं कि निर्भीज समाधि जब बीज जल जाते हैं तब प्राप्त होती है। समाधि लग जाती है योगी को, लेकिन प्रथम सीढ़ी पर जो समाधि लगती है वह सबीज समाधि होती है, उसमें बीज बाकी रह जाते हैं।
वो बीज कभी अंकुरित होने का भय होता है, यानी योगी संसार में वापिस प्रवृत्त हो सकता है, लेकिन अभ्यास करने से एक दिन वो बीज भी जल जाते हैं और निर्बीज समाधि को उपलब्ध होता है। ये दूसरे नंबर की समाधि है। निर्बीज समाधि में बीज भी नहीं बचते, वो जल जाते हैं, संसार में लौटने की तो बात ही नहीं उठती उस योगी की, लेकिन आगे बढ़ना है। अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो अभ्यास करते करते योगी एक दिन कैवल्य समाधि को उपलब्ध हो जाता है। इस समाधि में उसको आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति हो जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको अंग्रेजी में कहा है। आत्म अनुभूति हो जाने के बाद भी प्यास बुझी हुई नहीं होती है। प्यास तो योगी की कभी बुझती ही नहीं। जिस दिन प्यास बुझ जाएगी उस दिन योगी योगी नहीं रह जाएगा। जिस भक्त की प्यास बुझ जाएगी वो भक्त भक्त नहीं रह जाएगा। प्यास जितनी बढ़ेगी उसको पाने की उतना ही योगी अत्यंत सुख में सुखी होगा, आनंदित होगा, उतना ही भगवान को प्रसन्न करने में सक्षम होगा, उतना ही भगवान के नजदीक जाने में कुशल होगा। जिसको जितनी अधिक प्यास, कैवल्य समाधि में आत्म साक्षात्कार तो हो जाता है लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा समाहित है, प्रत्येक प्राणी के अंदर। तो भगवत साक्षात्कार के लिए अभ्यास जारी रहता है। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्म सहा, योगी के सारे पाप जल जाते हैं जब लगातार ही साधना में होता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब कोई पाप अवशेष नहीं रह जाता। निर्मल स्वच्छ सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप से योगी स्थान प्राप्त कर लेता है। लेकिन भगवत साक्षात्कार जब होता है अभ्यास से, भगवान का जब संस्पर्श होता है, भगवान श्री की चरणों में जब स्पर्श हो जाता है, सर टिक जाता है, तब एक अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सीमा रहित सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, जो इटर्नल है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा सुख। तो ऐसी अवस्था को भगवान ने पतंजलि ने फिर धर्म मेघ समाधि कहा है, जो चौथे स्तर की और सर्वश्रेष्ठ है। चार प्रकार की समाधियों में सर्वश्रेष्ठ है धर्म मेघ समाधि। इस धर्म मेघ समाधि में तो योगी पूर्ण मोक्ष को तो प्राप्त हो ही चुका होता है, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया होता है, भगवान का संस्पर्श कर लिया होता है, भगवान के दर्शन, भगवान का स्पर्श, भगवान का आलिंगन हो चुका होता है। तब इस योगी के अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज जो 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करेंगे, दैवी संपदा, ये दैवी संपदा का मालिक होता है उस समय, सारे दिव्य गुण इसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तब इन दिव्य गुणों में एक गुण विशेष, ये सर्वत्र उस परमात्मा के दर्शन करने लगता है, सर्वत्र। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा था कि जो हिरण्यकश्यप के पूछने पर कहा कि हाँ पिताजी, भगवान सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी हैं, जिस अग्नि से तपे हुए लाल खंभे में मुझे बांधोगे उस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने बड़े अहंकार से पूछा था, क्या तेरा भगवान इस अग्नि से तपाए हुए लाल खंभे में भी है? अभी जल्लाद लोग तुझे इसमें बांधने जा रहे हैं लोहे की सांकड़ों से, तू जल के राख हो जाएगा, क्या तेरे भगवान यहां भी तुझे बचा लेंगे? क्या इस खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद महाराज ने कहा कि हां पिताजी, तो में मोह में खड़क खंभ में
पूर्ण रहो जगदीश, वो जगदीश सर्वत्र है, ये खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप को तो बहुत गुस्सा आया कि बांधो इस बदमाश को इस खंभे से। जल्लाद जब बांधने के लिए ले जाने लगे खंभे के नजदीक, तो खंभे के दो चीर हो गई, फाड़ हो गई बड़ी गर्जना के साथ, और विकार विशाल रूप से, और नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बड़े बड़े बिजली जैसे थंडरबोल्ट, आसमान जब घनघोर घटाएं गरजती हैं, मेघ गर्जन होता है तो बिजलियां कैसे गर्जना करती हैं, चमकती हैं गड़गड़ाहट के साथ, ऐसे नाखून थे नरसिंह भगवान, ऐसे दिव्य नाखून बिजली की तरह चमकती हुई नाखून। हिरण्यकश्यप को केस पकड़ के खींच लिया और फाड़ दिया, छाती फाड़। भक्तों ने आरती उतारी, प्रहलाद महाराज को गोदी में बिठाया अपने भक्त। भगवान सर्वत्र है ये देखने की दिव्य क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी उस योगी के अंदर प्रकट हो। और दूसरे नंबर पर वो ये तमाम टोटलिटी को, अनंत ब्रह्मांडों को भी उस परमात्मा में ही स्थिर हुआ देखता है। अनंत के दर्शन किए, अनंत अपार सुख की अनुभूति की है उसको, ये अनंत ब्रह्मांड अनंत सृष्टि उस परमात्मा में ही समाहित दिखाई देती है, अन्यत्र नहीं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पेशली इंगित किया है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शन। तो फिर योग युक्त हुआ जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा योगी सर्वत्र सभी जगहों पर समदर्शिना, सर्वत्र ही भगवान को देखने लग जाता है, सभी के अंदर विराजमान भगवान को देखने लगता है। ऐसा योगी किसी प्राणी को तो अपमानित करता ही नहीं, बल्कि किसी वस्तु विशेष को भी अपमानित नहीं करता। अपमान करना तो दूर की बात है, प्राणी विशेष को भी वो प्रेम करता है परमात्मा स्वरूप से, और वस्तु विशेष को भी प्रेम करने लग जाता है ये समझ के कि इन वस्तुओं में भी, इन जड़ में भी और चेतन में भी, जड़ में उस परमात्मा की शक्ति का निवास है, कण कण में, एटम में, और चैतन्य में वो स्वयं साक्षात्कार साक्षात परमात्मा स्वरूप से विराजमान है, उसके अंदर ये डिवाइन क्वालिटी और उतर जाती है, सर्वत्र भगवान के दर्शन करता है। अब ऐसा व्यक्ति जिससे जिस किसी से भी व्यवहार करेगा वो तो ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे साक्षात परमात्मा से व्यवहार कर रहा, उसका व्यवहार अति ट्रांसेंडेंटल दिव्य हो जाता है, उसकी एक्टिविटीज ट्रांसेंडेंटल हो जाती है, उसकी इंद्रियां सोचने का तरीका, उसकी बुद्धि सब दिव्य हो जाती है। ऐसे योगी पुरुष का, ऐसे भक्त का दर्शन हजारों के पापों को नष्ट कर डालता है, ये बड़े दिव्य होते हैं ऐसे संत, ऐसे मात, ऐसे योग जिनके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाई रहता है, भक्ति भरे नेत्रों में जो भगवान की सेवाओं में भी रत रहते हैं, ये नहीं एक जगह बैठे नहीं, निष्क्रिय को तो भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया है, जो कुछ करता ही नहीं, क्रिया सब करते हैं, निष्क्रिय को भगवान ने त्यागी सन्यासी भी नहीं कहा, जो सन्यासी बन गया निष्क्रिय होके बैठ गया है, अग्नि भी नहीं जलाता कि दो टिकट अपने लिए तो बना लो, नहीं वो भी आ जाए तो कोई दे देगा तो खा लेगा पड़ा रहेगा पेट के नीचे, नहीं क्रियाशील होना
तो भगवान की है, भगवान के लिए सेवा करना भगवान की सेवा करने में युक्त होता है। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शना। तो ऐसे योग युक्त हुए योगी को सर्व सभी जगह पर भगवान के दर्शन होते हैं। इतनी उसकी डिवाइन पावर दिव्यता दिव्य गुण उसमें समाहित होता है। तो किसी चीज को स्पर्श करता है तो परमात्मा के स्पर्श करता है, किसी से बात करता है तो परमात्मा से ही बातें करता है, किसी की सुनता है तो यही समझ करके कि परमात्मा कुछ कह रहे हैं। कोई मूर्छित आदमी गाली भी बकता हो तो यही सोचता है कि परमात्मा की ओर से आ रही है, कुछ गलती हुई हो मुझसे, कुछ कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो मेरी सेवा में, इसलिए कुछ अपशब्द भी आ रहे हैं मेरे काम। वो सब कुछ परमात्मा का आशीर्वाद समझ करके सहर्ष स्वीकार करता है। ऐसा योगी मिलना अत्यंत कठिन है, और मिल जाए तो जिसको उसके दर्शन हो जाए उसके भी पापों को जला डालता है, इतनी कैपेसिटी उस योगी के अंदर होती है। नारद महान सुखदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु मीरा रविदास पूर्णा कबीर बड़े बड़े विशेष सितारे हैं जो सदैव जगमगाते हैं। कल यहां थे परसों वहां है, सदैव लोगों के संताप दूर करते हैं, पाप झड़ाते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शन यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो सर्वत्र मुझे देखता है और सभी कुछ को मेरे अंदर देखता है उसकी आंखों से मैं कभी ओझिल नहीं होता, और वो भी मेरी आंखों से कभी ओझिल नहीं होता। कैसे होगा भला, जो सर्वत्र भगवान के दर्शन करता है, फूल में भी, कलियों में भी, तितलियों में भी, भंवरों में भी, पक्षियों में भी, कौवे में भी, कोयल में भी, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, चांडाल में भी, ब्राह्मण में भी, गऊ में भी, हाथी में भी, जड़ चेतन में ही परमात्मा के दर्शन करता है। ऐसे योगी की आंखों से मैं कैसे ओझिल हो जाऊं, सदैव उसके सामने होता हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और मेरी आंखों के सामने से भी तो वो ओझिल नहीं होता, मेरी आंखों में सदैव मेरा प्रेमी भक्त समाया ही रहता है, मेरा प्रेमी योगी समाया ही रहता है, मेरी आंखों से वो कभी ओझिल नहीं होता। मेरे नेत्र सदैव उसी को निहारा करते हैं, वो मेरे हृदय में वास करता है। उदो जी मुझे संत सदा अति प्यारे, उदो जी मुझे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं शोधूंगा तो हमारे। उदो जी मुझे
संत सदा अति प्यारे उद्धव जी मुझे हे उद्धव संत तो मेरे हृदय में रहते हैं जहां जहां मेरे संत विचरण करते हैं जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ छुपके छुपके जाता हूँ और उनके चरणों से जो धूल उड़ती है और वो धूल मेरे जो बालों में लगती है मेरे अंग अंग पर लगती है उस धूल के कारण से ही मैं पवित्र होता हूँ और मेरी पवित्रता का कोई रहस्य नहीं है मैं परम पवित्र बन जाता हूँ मेरे भक्तों की मेरे संतों की मेरे प्रेमी योगियों की चरणों की धूल से ये महानता है उस परमेश्वर ये अपने प्रिय भक्त उद्धव को इस प्रकार से कह रहे हैं इधर अर्जुन को कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स्वच मे न प्रणश्यति तो ये क्वालिटीज ये डिवाइन क्वालिटीज एक भगवान के प्रेमी भक्त के अंदर होती है प्रेमी ज्ञानी के अंदर होती है प्रेमी ध्यान योगी के अंदर होती है ध्यान के बिना भक्ति नहीं क्या है लेकिन ध्यान चार चांद लगा देता है भक्ति में इतना जरूर समझना प्रेम में कोई नियम नहीं ये सत्य है कैसे भी प्रेम करे बच्चा अपने बाप को कभी बच्चा छोटा बच्चा बाप के मुंह में मुंह की तरफ लात करता है लात मार देता है ललाट पे गाल पर छाती पर बाप उस खुश होता है बाप को आनंद की अनुभूति होती है प्रेम प्रेम है वो प्रेम पूर्वक लात मार रहा है प्रेम से बाप का स्पर्श कर रहा है चाहे लात से करे चाहे हाथ से करे चाहे नेत्र से करे प्रेम में नेम नहीं सत्य है ध्यान क्रिया ऐसी है जो भगवान की सेवा में उस सेवा भी तो प्रेम भरी होनी चाहिए तो फिर उस सेवा में ध्यान की जरूरत है ध्यान पूर्वक भगवान को कुकिंग करना भोग लगाना खिलाना पिलाना ध्यान से चलना ध्यान से आना ध्यान से जाना प्रभु को न भूले ऐसा ध्यान सदैव बना रहे ध्यान की आवश्यकता है ध्यान के बिना कुछ नहीं ध्यान जरूर होना चाहिए मेडिटेशन अंग्रेजी में शब्द दिया मेडिटेशन योर होल लाइफ इज मेडिटेशन इसके लिए अलग से बैठने की आवश्यकता भी नहीं है नहीं आपका सोना उठना जागना बैठना खाना पीना चलना काम करना बात करना विचार करना ये सभी ध्यान पूर्वक होना चाहिए ये ध्यान का स्तर यदि संसार में भी फलित हो जाए आप ध्यान करने लग जाए संसारिक वस्तुओं पर भी छोटी छोटी बातों पर भी तो ये आपका ध्यान विकसित होता है ये ध्यान का विकास होना बहुत जरूरी है इसके विकास होने से आप उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं आध्यात्मिक का ध्यान कर सकते हैं फिर आप भजन करेंगे तो ध्यान होगा एक एक शब्द के ऊपर एक एक मंत्र के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कोई भी सेवा करेंगे तो ध्यान होगा भगवान का कीर्तन करेंगे तो भगवान की ओर ध्यान नहीं होगा तो खाक खाक कीर्तन किया
संकीर्तन में आपकी लौ भगवान से नहीं जुड़ी। तो कौन सा आपने कीर्तन किया भगवान? कीर्तन में तो, कीर्ति का गान करने में तो भक्त पूरी तरह से भावित हो जाता है, गदगद हो पड़ता है, अश्रुपात करने लगता है। इसलिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है, मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। मेडिटेशन नहीं होगा वो संसार का ढांचा कमजोर होगा, उस समाज का ढांचा कमजोर होगा। जहां पर मेडिटेशन है वो देश समृद्ध हुए। बुद्ध भगवान भारत से खदेड़ दिए गए थे सो कॉल्ड पंडितों के द्वारा, क्योंकि आडंबरी लोगों का आडंबर खत्म होता है जब कोई महात्मा या कोई अवतार सत्य के दर्शन कराता है समाज को। जब आडंबर फेल होता है तो आडंबर को धक्का लगता है, उनकी रोटी रोजी को धक्का लगता है। आडंबर बना रहे हैं तो तथाकथित आडंबरी बने रहते हैं। लेकिन बुद्ध को भारत से खदेड़ दिया गया, उनकी लाइब्रेरी में, कलकत्ता में विशाल लाइब्रेरी आग लगा दी गई। तो चाइना, तिब्बत, जापान, कोरिया, श्रीलंका, जहां जहां भी गए वो देश समृद्ध बने। जापान हो, चाइना हो, समृद्ध है। आज भी बच्चे ध्यान करते हैं जापान, चाइना के। अभी समय कुछ पलट गया, चाइना में कम्युनिस्ट आ गए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको ना राम चाहिए, ना कृष्ण चाहिए, ना बुद्ध चाहिए। तो उन्होंने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भिक्षुओं को और प्रधान गुरु दलाई लामा को सबको भगा दिया, मार भगाया। लेकिन आखिर वो भी तो किसी को पूछते रहे, पूछते हैं। कम्युनिस्ट लेलिन को पूछते हैं, लेलिन की सड़ी गड़ी लाश को पूछते हैं, वो सुरक्षित है आज भी। तो एंजेलो को या कार्ल मार्क्स को पूजा जारी है, लेकिन विश्वास नहीं है भगवान के अंदर कि भगवान है। कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट को ध्यान से कोई लेना नहीं, भगवान से कोई लेना नहीं। तो लेलिन उनके सामने आ गए, उनकी पूजा होती है। एक लीडर लेलिन जो अभी नहीं है, कम्युनिस्ट के लीडर, उनकी पूजा कर, एंजेलो की पूजा कर, कार्ल मार्क्स की पूजा कर। ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान हमारे संसार में बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। पतंजलि ध्यान योग की शिक्षा दे रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान स्वयं ध्यान योग की शिक्षा दे रहे हैं, दत्तात्रेय भगवान ध्यान योग की शिक्षा दे रहे हैं, कपिल देव भगवान आज भी ध्यानस्थ गंगा सागर में मंदिर विशाल विराजमान है, कैलाशवरोत्तर स्वयं साक्षात भगवान शंकर ध्यानस्थ है, सिखला रहे पूरे विश्व को कि ध्यान करो एवरेस्ट की चोटी पर, कैलाश के ऊपर शंकर भगवान ध्यानस्थ है, हजारों वर्ष की समाधि में है, उस अनंत भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जो उनके भी कारण है।